So friends, आज का जो है, वो है लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर फर्स्ट जो की, है सम बेसिक की, लास्ट वीडियो, की पे. सो आपने प्रीवियस सारी वीडियोस देख ली होंगी आपको मजा भी आ रहा होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए होंगे सो वीडियो में चलने से पहले मेरे इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए शेयर भी कर सकते हैं एंड ये yes, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो यानी कि हमारा चैप्टर उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी सो स्टूडेंट्स लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए आपसे मैं एक छोटी सी डिस्कशन यानी कि हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं एक कली की बात है मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी रात को बैठे मेरा भाई भी मेरे साथ पढ़ रहा था करीबन दो कुछ बजने वाले थे और हम दोनों को भूख लगी अब हमें ये लगा भी अगर मम्मी को जगाएंगे तो डांट पिटेगी तो हमने क्या किया किचन में गए जैसे ही हम किचन में गए हमने देखा भी मैगी भी खत्म है अब हमें टेंशन हो गई भी अब क्या खाएंगे फ्रूट्स हमें पसंद नहीं है तो हमने देखा ब्रेड की स्लाइस पड़ी थी अब मेरे भाई ने बोला चल यार सैंडविच बनाते हैं और खा लेते हैं हमने कहा ठीक है पर दिक्कत कहाँ हुई बच्चों ब्रेड की सिर्फ चार स्लाइसिस पड़ी थी अब चार स्लाइसिस पड़ी थी आपको पता है एक स्लाइस ऊपर लगती है एक नीचे लगती है मतलब सिर्फ दो जनों की ब्रेड बन सकती थी वो भी एक एक हमने कहा चलो कुछ नहीं कुछ तो खाने को मिलेगा ठीक है अब ये भी सॉल्यूशन हो गया हमारा सॉल्व भी ब्रेड के पीस मिल गए सेकंड चीज अब उसमें डालेंगे क्या ठीक है हमारे पास आलू टिक्की पहले से पड़ी हुई थी तो हमने क्या किया फ्रिज खोला आलू टिक्की निकालने को देखी तो हमने देखा आलू टिक्की तो छह सात पड़ी है हमें खुशी बहुत हुई भी आलू टिक्की तो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन दुख इस चीज का हुआ ब्रेड की स्लाइस तो कम है अब मेरे भाई ने बोला आप क्या करें एक एक खा के पेट भर लेते हैं फिर हमने क्या किया अब देखिए इस केस में मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो सैंडविच जो ब्रेड से और उसके अंदर टिक्की से बना है और उस सैंडविच को बनाने के लिए आप देखिए भी दो ब्रेड पीसी से एक सैंडविच बनता है मतलब दो सैंडविच बन सकते थे सिर्फ दो सैंडविच बने पूरे पूरे ब्रेड पीसेस लग गए लेकिन टिक्की जो थी वो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट थी सात से आठ करीबन मतलब कि एक एक टिक्की हमने बीच में डाल दी दो टिक्की डाली फिर भी चार टिक्की बच गई में से दो टिक्की यूज हुई चार बच गई तो यहाँ पर ब्रेड फिनिश हो चुकी है लेकिन टिक्की अभी भी प्रेजेंट है ब्रेड फिनिश हो गई है मतलब ब्रेड हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट जो कि बहुत ही कम क्वालिटी में मतलब क्वांटिटी में सॉरी हमारे पास प्रेजेंट था अगर वो ज्यादा होती तो शायद हम ज्यादा खा लेते पर कोई बात नहीं अगर वो कम क्वांटिटी में कोई भी चीज प्रेजेंट है और वो रिएक्ट कर रही है और वो एक प्रोडक्ट बना रही है यानी कि जब ब्रेड उसके साथ टिक्की के साथ रिएक्ट करती है तो उसने सैंडविच बनाया राइट सैंडविच की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पर मेरी ब्रेड लिमिटिंग रिएजेंट है और टिक्की जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है एक्सेस रिएजेंट है मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो बहुत ही कम क्वांटिटी यानी कि जितना हमें एक रिएक्शन को अगर करवाने के लिए चाहिए उतना ही प्रेजेंट है उससे एक भी ज्यादा नहीं ठीक है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता मतलब कि अभी भी रह जाता है एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ा होता है तो reactions के केस में हम इसे कैसे स्टडी करते हैं देखिए लिमिटिंग रिएजेंट की सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन सिखाऊंगी लिमिटिंग रिएजेंट्स जो मैंने अभी बोला सैंडविच और टिक्की का एग्जांपल लेके उसी से आपको ये एक बार डेफिनेशन क्लियर करती हूँ। वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट ठीक है देन द अदर एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन आपको पता है एक सैंडविच के अंदर हम एक ही टिक्की डाल सकते हैं तो उनमें से मैं बोल रही हूं कोई एक रिएक्टेंट क्या है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है यानी कि टिक्की बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू हमारी ब्रेड राइट ठीक है सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मेरा सैंडविच बन रहा है इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच हैज रिएक्टेड कंप्लीटली जो हमारा सैंडविच बन रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा भी आपके पास ब्रेड कितनी है क्योंकि वो कम थी अगर ज्यादा होती तो ज्यादा बन जाती लेकिन वो थी ही इतनी उससे ज्यादा थी ही नहीं तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है सैंडविच की फॉर्मेशन उसकी ब्रेड पे डिपेंड कर रही है ना कि टिक्की पे क्योंकि टिक्की तो बहुत सारी थी ठीक है तो वो क्या कह रहा है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट इज रिएक्ट हैज रिएक्टेड कंप्लीटली दिस विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इज लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कि जो सारे का सारा यूज हो जाता है उस रिएक्शन के अंदर उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सारी की सारी ब्रेड यूज हो गई एक भी ब्रेड वापस नहीं बची तो वो क्या हुई लिमिटिंग रीजन अब एक और सलाह है आपके लिए अपने बोर्ड में ये डेफिनेशन सैंडविच और टिक्की वाली नहीं लिख के आनी केमिकल इक्वेशन लिख के आनी है और उसके थ्रू हमें समझाना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ठीक है तो एक बार फिर से इसे आपको बोल के दिखा रही हूँ फिर एक इक्वेशन लिखूंगी उसमें देखेंगे क्या है लिमिटिंग रिएजेंट ताकि आपको सिर्फ एक ईजी तरीके से भी हमें कुछ कुछ रटना नहीं है समझना है ठीक है वन ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट कोई एक रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है other, क्योंकि रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं ना तो कोई एक रिएक्टेंट ज्यादा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी अमाउंट डिपेंड अपॉन द रियक्टेंट विच हैज रिएक्टेड कंप्लीटली मतलब जो पूरा का पूरा रिएक्ट हो गया बिल्कुल भी नहीं बचा उस पे प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करती है ठीक है दिस कंप्लीटली इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट इसे नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके फिर हम इक्वेश के थ्रू इसके क्वेश्चन करेंगे सो so, अब हम केस देखने वाले हैं जिसके अंदर एक रिएक्शन आपको दे दी गई है उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालो लग तो बहुत सिंपल सा रहा होगा चिक्योमैट्रिक कॉफिशियंट हमने देखे थे चिक्योमैट्रिक के अंदर जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्या करते थे एक का मास दे देते दे थे दूसरे का निकाल लेते थे लेकिन यहाँ क्या है दोनों रिएक्टेंट्स का मास दे दिया अब किसकी हेल्प से निकालोगे इसकी हेल्प से निकालोगे अलग आंसर आएगा इसकी हेल्प से निकालोगे अलग आंसर आएगा आपको क्या पता भी किसकी हेल्प से सी का निकालना है मास या मूल्स तो बच्चों इसको जानने के लिए हम अपने टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को देखो कैसे पहचानना है बी ए या बी इनमें से कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट अब आप कहोगे मैम रिएक्टेंट ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता क्वेश्चन आ सकता है ना बच्चों के दिमाग में भी ए और बी की ही क्यों बात कर रहे हो सी और डी की करो याद कीजिए मैंने कहा था रिएक्टेंट्स में से एक जो होगा वो कंप्लीटली यूज हो जाएगा उसके अंदर और एक जो होगा वो रह जाएगा एक्स्ट्रा है जो तो वो रिएक्टेंट ही है ना मिलके तो उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया तो रिएक्टेंट्स में ही हम लिमिटिंग रिएजेंट पहचानते हैं

ठीक है उसकी वैल्यू निकाल सके उसका अमाउंट निकाल सके तो देखो एक फॉर्मूला होता है वो था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय बाइ कोफिशिएंट ऑफिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन सा होता है बच्चों ये जो इसके आगे नंबर्स लगे हुए हैं इसको बोलते हैं करवाया था ना प्रीवियस लेक्चर में थ्री यहाँ पर ये कोफिशिएंट बी के केस में फोर है सी के, के केस में फाइव है और डी के, के केस में टू है अब ये तो मैंने खुद लिख दिए लेकिन क्वेश्चन आपको जब देते हैं तो वन बैलेंसड इक्वेशन देता है

डिवाइडेड बाय आपको क्या दे रखा है स्टिचोमैट्रिक ऑफिशन फोर ये कितने आ गए फाइव अब जब आपने नंबर ऑफ मोल्स बाय मोल्सोमैट्रिकेशन की वैल्यूज देखी तो ए के, के केस में तो थ्री थ्री है और बी के, के केस में फाइव है किसकी वैल्यू कम है ऑब्वियसली थ्री पॉइंट थ्री फाइव से कम है तो जब हमने देखा ए का जो ये रेशियो आया है नंबर ऑफ मोल्स बाय बायचोमेट्रिक ऑफिशंट कम है तो ए क्या कहलाएगा ए कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट ठीक है अब मैं आपसे कहती हूँ सी के मोल्स निकालो लिमिटिंग रेजेंट निकाल लिया अब वही स्टिक्योमैट्री जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी सेम करेंगे इसके पहले सारों के कॉफिशियंट्स लिखेंगे नीचे लिमिटिंग रेजेंट पहचानना आ गया आपको कैसे पहचानते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स बाईसोमैट्रिक कॉफिशियंट कम होगा वो क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट अब इधर देखो इसके कॉफिशेंट्स नीचे लिख लो थ्री मोल्स इसके नीचे लिख लो फोर मोल्स इसके हैं फाइव मोल्स और लास्ट में है टू मोल्स आपको मैंने बोला के के आपको दे दिए थे टेन और बी के दे दिए थे ट्वेंटी आपने निकाल लिया भी ए तो लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब ए की हेल्प से हम बाकियों को निकाल लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट जब निकल आता है तो उसकी हेल्प से हम बाकियों की वैल्यूज निकाल लेंगे इवन हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर नहीं दी हो लेकिन क्या किया लिख उसके बाद मैंने आपको क्या था सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने में किसी का मास दे दिया था, जाता था आपको आप क्या करते थे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे तो मेरे से उसने इसका पूछा है सी का पूछा है अब तीन मोल्स ए के कितने सी प्रोड्यूस कर रहे हैं फाइव मोल्स ऑफ सी अब यहां से एक मोल की वैल्यू निकाल लू वन मोल ऑफ ए कितना प्रोड्यूस हो रहा है मोल्स ऑफ ठीक है अब मैंने आपको बोला भी अगर ए के दस मोल प्रेजेंट है तो टेन मोल्स ऑफ ए क्वेश्चन में दे रखा है ना टेन मोल्स प्रेजेंट है कितने सी के प्रोड्यूस होंगे फाइव बाई थ्री इंटू टेन यानी तो मोल्स मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्री मोल्स ए के दो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक कितना करेगा टू बाई थ्री दस दे रखे थे ए के तो दस कितने करेंगे टू बाई थ्री इंटू टेन इसे नोट डाउन कर लीजिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हाँ जी स्टूडेंट्स सो अब आता है एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो so, देखिए क्या है क्वेश्चन थ्री ग्राम एच टू रियक्ट विद ट्वेंटी नाइन ग्राम ओ टू टू गिव एच टू ओ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एच टू एंड ऑल्सो कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट तो पहले हम लिखेंगे उसने बोला है एच टू जो है वो ओ टू के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा एच टू ओ पहले तो बच्चों ये चेक करना है इक्वेशन बैलेंस है या नहीं उसके बाद देखिए सो so, मैंने बोला एच टू प्लस ओ टू एच टू ओ बना रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी कि तीन ग्राम एच टू ट्वेंटी नाइन ग्राम ऑफ ओ टू के साथ रिएक्ट करके वॉटर बना रहा है अब वॉटर बताना है कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके अमाउंट कैलकुलेट करनी है पहले चेक करेंगे इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं तो देखिए रिएक्टेंट वाली साइड पे दो हाइड्रोजन प्रोडक्ट वाली साइड पे भी दो हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड पे दो ऑक्सीजन लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे एक ऑक्सीजन तो एक को दो में कन्वर्ट करने के लिए दो से मल्टीप्लाई है यहाँ पर टू आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड पे है दो और प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हो गए चार तो इसे भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा चार तो चेक कीजिए इक्वेशन क्या हो गई हमारी बैलेंस्ड अब मैंने आपको बताया था लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय बायोमैट्रिकिशंट लेते हैं अगर इसकी वैल्यू जिस किसी भी केस में कम आएगी वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट अब देखो नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यहाँ पर उसने हमें गिवन मास दे दिया नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है गिवन मास मास बाय इसको खोल के लिख लेते हैं Into given mass कितना दे रखा है? आप इसको देखो सिर्फ एच टू है एक हाइड्रोजन का एक होता है दो का कितना हो जाएगा टू इंटू स्टिचोमैट्रिकिशियंट कितना है यहाँ पे टू स्टिचोमैट्रिकेश केस में वन इस केस में टू जो हमारे मॉलिक्यूल के आगे डिजिट लगा होता है उसको कहते हैं तो इस केस में टू तो यहाँ के 4, 7, तो आगे वैल्यू थ्री बायर यानी कि जीरो पॉइंट इट इज सेवन ठीक है तो जीरो पॉइंट सेवन आ गई हमारी एच टू केस में अब ओ टू केस में क्या होगा गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इन टू स्ट्रिकोमैट्रिक गिवन मास कितना है स्टूडेंट्स ट्वेंटी नाइन मोलिकुलर मास एक ऑक्सीजन का सोलह होता है दो का कितना हो जाएगा थर्टी टू कितना है One है जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो ये आपका आएगा. जब आप इसको आएगा तो आप देख सकते हो ये जीरो पॉइंट सेवन है कम कौन सा है ऑब्वियसली जीरो पॉइंट सेवन तो एच टू क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा मतलब जिसकी रेशियो नंबर ऑफ मोल कोफिशिएंट लो है वो क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि एच टू की जीरो पॉइंट सेवन आई थी और उसकी जीरो पॉइंट नाइन आई थी तो एच टू क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट अब देखो स्टूडेंट्स अब क्या करना है लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट रिएजेंट तो आ गया मतलब कि की हेल्प से हम प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं अब क्या करो सारो के जो कोफिशिएंट्स कॉफिशेंट्स उन्हें नीचे लिख लो इसके कितना है? 2 moles. इसका कितना है टू मोल्स इसका कितना है वन मोल इसका कितना है टू मोल्स अब निकालना है वॉटर का तो कैसे करेंगे दो मोल्स एच टू के वाटर के दो ऑब्वियसली। तो टू मोल गिव्स मोल ऑफ वाटर। तो एक मोल कितना देगा बच्चों वन मोल देगा वन ठीक है अब नेक्स्ट देखो अब मुझे अगर इसका निकालना है वाटर का तो मुझे इसका गिवन मास दे रखा था थ्री ग्राम

थ्री बाय टू मोल्स आ गए अब मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है तो so का molecular mass निकालते हैं। दो हाइड्रोजन है तो टू प्लस ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन तो कितना हो गया एटीन एटीन है मोलिकुलर मास थ्री बाई टू इज गिवन मास बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थ्री बाई टू इंटू एटीन यानी कि 27 ग्राम ऑफ एच क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है देखो देखो, एक बार इसे note down करो, फिर से इसको आपको आपको करती मैं कैसे किया है। अब करवाती हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो वाटर प्रोड्यूस करती है तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया था इक्वेशन को बैलेंस किया था फिर लिमिटिंग रिएजेंट चेक किया कैसे चेक किया था नंबर ऑफ मोल्स बायुचोमैट्रिक ऑफिशंट उसकी जिसकी वैल्यू कम होगी वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट जब हमने देखा तो H2 क्या हुआ लिमिटिंग रिएजेंट हुआ अब हम क्या करेंगे सबके कोफिशिएंट्स लिख देंगे उसके बाद हमने क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले जब दो जिसका निकालना है मान लो वॉटर का कहा है तो इसके दो मोल्स दो मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक मोल कितना करेगा इसका भी एक मोल करेगा अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो गिवन मास दे रखा है

27 उन so, so, yes, कर लीजिए होमवर्क फॉर यू आपने क्या करना है स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करना है इसे नोट डाउन करना है सोल्व करना है प्रीवियस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है सो so, क्वेश्चन को लिखिए हंड्रेड विद गेड ग्राम्स है, टू के रिएक्ट कर रहे हैं 100 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ और वो बना रहे हैं वाटर. आपने निकालना है वाटर का मास और बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है तो वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए हाँ जी स्टूडेंट्स तो यहीं पर हमारा जो ये टॉपिक है लिमिटिंग रियजन का ये फिनिश होता है अब आपका जो ये चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहीं पर फिनिश होता है मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी भी, जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन है वो करवा दीजिए तो जो साइंटिफिक नोटेशन है मैंने उसकी वीडियो बना ली है वो नेक्स्ट इसके बाद लिमिटिंग रियजन के बाद अपलोड हो जाएगी आप लोग उसे देख सकते हैं As NCRT में भी उसका क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड सो यहीं पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो अप होता है अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी फर्स्ट चैप्टर की तो लाइक like कीजिए अगर बहुत अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अब जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है वो सेकेंड चैप्टर की मिलने वाली है तो उसकी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी सो so, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम सो होप यू लाइक माई वीडियो थैंक्स अलॉट